नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 5 की हिंदी भाषा की पुस्तक भाषा भारती के पाठ 22 उन्नत खेती उत्तम खेती के एक नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य प्रवेश में व्यवहारिक शिक्षा का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे गृह कार्य से समझेंगे। तो आइए पाठ का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पाठ उन्नत खेती उत्तम खेती ग्रामीण जीवन शैली पर आधारित है। इसमें ग्रामीण परिवेश में घटित होने वाली घटनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें पाठ की संकल्पना से जुड़े वातावरण को अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य कराया जाता है, जिससे पढ़ाई गई अवधारणा को मौजूदा माहौल से जोड़ने हुए छात्रों की बेहतर समझ विकसित की जाती है। साथ ही गृह कार्य की उपयोगिता को भी छात्रों को समझाया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन हेतु सृजनात्मक लेखन को आसपास के परिवेश से जोड़ते हुए अवलोकन चर्चा और सांकेतिक प्रश्नों से गृह कार्य की जानकारी दी जाती है। इस नवाचार के क्रियान्वयन अवधि को 20 मिनट का रखा गया है। पूर्व प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षक नवाचार क्रियान्वयन के लिए कुछ स्टेशनरी और उन्नत खेती तथा उत्तम खेती पाठ की तालिका को तैयार करते हैं। उन्हें अध्ययन की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक सृजनात्मक लेखन की जानकारी को दोहरवाते हैं। साथ ही साथ शिक्षक यह भी ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया है और उसकी व्याख्या व निर्माण भी किया गया है। छात्रों के लिए कुछ निर्देशों का पालन भी आवश्यक है, जैसे कि छात्र घर पर अभिभावकों के सहयोग से क्षेत्र में प्रचलित कृषि से संबंधित जानकारी को एकत्रित करके और लिख करके लाएंगे। छात्र अभिभावकों की मदद से तालिका को भरकर स्कूल ले जाते हैं। शिक्षक प्रत्येक छात्र को तालिका की एक एक प्रति देते हैं, जिससे कि अभिभावकों के सहयोग से उसको भरा जाता है। इसमें विद्यार्थियों का नाम और कृषि से संबंधित जानकारी लिखी होती है। सभी छात्र इसे सावधानीपूर्वक अपने अभिभावकों को देते हैं, जिससे कि उनमें उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास होता है। छात्र बताते हैं कि अगले दिन कक्षा में तालिका की सूचना के आधार पर ही पाठ को दोहराया जाएगा। सभी छात्र अगले दिन तालिका व चार्ट भरकर कक्षा में शिक्षक के सामने जानकारी को पढ़ करके बताते हैं और चार्ट को शिक्षक के पास जमा करा देते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो यह पाठ नवाचार गतिविधि वास्तव में एक उत्तरदायित्व की भावना के साथ साथ निर्देशों का पालन कराने और नैतिक मूल्य का विकास कराने की योग्यता को सर्जित करती है। अभिभावकों के सहयोग से छात्रों में गृह कार्य परिवेश से व्यवहारिक शिक्षा से आसपास की समझ विकसित होती है। अभिनव शिक्षण तकनीक के अंतर्गत गृह कार्य करने की तकनीक को छात्र समझते हैं। भ्रमण अवलोकन और अनुभव के आधार पर सृजनात्मक लेखन की जानकारी को छात्र प्राप्त करते हैं। गृह कार्य से प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक भाव भी छात्रों में पैदा होते हैं। अपरिचित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में खोजते हैं और सुनी गई व पढ़ी गई रचनाओं घटनाओं चित्रों पात्रों आदि के बारे में बातचीत करने की समझ विकसित करते हैं। इस प्रकार से मूल जीवन कौशल व आत्म जागरूकता की गहन सोच का भी उनमें विकास होता है। पाठ उन्नत खेती उत्तम खेती को शिक्षक एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। यह नवाचार NCF 2005 के उद्देश्यों की पूर्ति करता है और साथ ही साथ PRT अनुपात का भी ध्यान रखता है। साथ ही ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। वास्तव में यह नवाचार गतिविधि एक अभिनव गतिविधि है। यह नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर यह वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।